अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे मटन कीमा समोसा। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक पैन को गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे कीमा। ये 200 ग्राम के करीब कीमा है। इसे हम हल्का सा चला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और हल्का सा भून लेंगे हम 1 से 2 मिनट तक। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे 2 टेबलस्पून के लगभग और सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसे ढक करके हम 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा कीमा अच्छे से पक चुका है, इसमें पानी भी सूख चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम कीमे के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हमारा कीमा तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब तक कीमा ठंडा हो रहा है तब तक हम समोसे का आटा तैयार कर लेंगे। अब हम समोसे का आटा तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक बाउल में 1 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आटा भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट सा आटा तैयार करेंगे। जैसे हम पूरी का आटा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही हम इसका आटा तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आटे को गूंद लिया है। अब इसे हम ढक करके रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद एक बार और आटे को हम अच्छे से नीट कर लेंगे। अब इसे हम एक छोटा सा पोर्शन तोड़ लेंगे और इसका हम लोई बना लेंगे और इसे एक फ्लैट सरफेस पे निकाल लेंगे और हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हम पतला बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे पतला बेल लिया है। अब इसके सेंटर में हम तैयार किया हुआ कीमा रख देंगे और साइड में हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे। किनारे को हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि जब इसे हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अब इस तरह से हम इसमें हाथों से डिजाइन बना देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे समोसे को तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम एक एक करके समोसे डाल देंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से उलट पलट करके हम समोसे को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए, ये हमारे गर्मा गर्म मटन कीमा समोसा तैयार है। आप समोसे को गर्म गर्म ही खाएं क्योंकि समोसे गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।